प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने एक भारत श्रेष्ठ भारत को सफल बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश शूटिंग बॉल संघ ने कमर कस ली है और इसी के चलते हमीरपुर में दो दिवसीय शूटिंग बॉल नेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में 8 प्रदेशों के 85 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक सदर नरेंद्र ठाकुर ने किया। इससे पहले 8 प्रदेशों के आए हुए खिलाड़ियों ने हमीरपुर बाजार में रैली निकाली। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश शूटिंग बॉल संघ द्वारा सुपर मैग्नेट पब्लिक स्कूल हमीरपुर में 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लड़के तथा लड़कियों की दो दिवसीय जोनल स्तरीय ओपन शूटिंग बॉल प्रतियोगिताएं शुरू हो गई हैं। इस अवसर पर स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दो दिवसीय प्रतियोगिता का दीप प्रज्वलित कर शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि खेलें हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इनके आयोजन से जहां खिलाड़ियों में नेतृत्व जैसे गुणों का विकास होता है, वहीं उन्हें एक दूसरे से खेल के नए नए दांव पेश भी सीखने को मिलते हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों का आह्वान किया कि वे खेल को खेल की भावना से खेले ताकि खेल प्रेमियों का भरपूर मनोरंजन हो और एक बेहतरीन प्रतिस्पर्धा देखने को मिले। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में देश के 8 राज्य राजस्थान, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, असम तथा जम्मू कश्मीर के लगभग 85 लड़के तथा लड़कियां हिस्सा ले रहे हैं। दो राज्यों को मिलाकर 6/6 के समूह में लड़के तथा लड़कियों की टीमें बनाई गई हैं। हिमाचल प्रदेश को केरल के साथ जोड़कर लड़के तथा लड़कियों की टीम तैयार की गई है। इस प्रतियोगिता में लगभग 85 लड़के तथा लड़कियां हिस्सा ले रही हैं। शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव रविंदर सिंह तोमर ने बताया कि भारत सरकार के खेल मंत्रालय का खेल कार्यक्रम और इसी के तहत हमीरपुर में शूटिंग बॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 3 महीनों से प्याज के दामों में बेहताशा इजाफा होने के चलते प्याज बाजार से गायब हो गया है। वहीं प्याज हमीरपुर में 70 से 80 रुपए बिकने से ग्राहक भी प्याज खरीदने से गुरेज कर रहे हैं। हालांकि हमीरपुर में पिछले दिनों प्याज 20 से 30 रुपए बिक रहा था, लेकिन अचानक ही प्याज के दामों में भारी वृद्धि होने से अब लोग भी परेशानी की दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि महंगाई के दौर में महंगा प्याज गृहिणियों की रसोई का भी जायका बिगाड़ रहा है। प्याज के रेट में इजाफा होने के कारण हमीरपुर की दुकानों से प्याज गायब हो गया है और प्याज के बड़े बड़े ढेरों की जगह से अब केवल 10 से 20 किलो प्याज ही बेचने पर दिख रहा है। प्याज के दामों को लेकर कुछ गृहिणियों से भी बात की। युक्ति दीक्षा का कहना है कि प्याज का रेट 80 रुपए बिक रहा है, जिसके कारण घर चलाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि प्याज के रेट कम होने चाहिए। गृहिणी बिमला सोनी का कहना है कि प्याज के रेट पिछले कुछ दिनों से बहुत बढ़ गए हैं और सरकार को चाहिए कि महंगाई के दौर में प्याज के रेट कम होने चाहिए। नीलम शर्मा का कहना है कि सरकार को चाहिए कि खाने पीने की चीजों के रेट कम होने चाहिए और प्याज के रेट को कम किया जाना चाहिए। वहीं मीनाक्षी का कहना है कि प्याज के रेट ज्यादा होने से सभी मुश्किल के दौर में हैं और हर दिन रेट बढ़ने से सभी परेशान हैं, इसलिए प्याज के दाम कम किए जाने चाहिए।
सोलन के हॉस्पिटल रोड पर दो युवकों ने होटल के मैनेजर पर चाकू से हमला कर दिया था, जिसके चलते मैनेजर को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। घायल मैनेजर को सोलन अस्पताल से IGMC रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लिया और हमला करने वाले दोनों युवकों की तलाश आरम्भ कर दी है। हालांकि हमलावर युवकों को पकड़ना पुलिस के लिए कठिन था, क्योंकि घायल मैनेजर दोनों हमलावरों को पहचान नहीं पाया था और ना ही घायल मैनेजर बोलने की हालत में था। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी और वे दोनों हमलावरों की तलाश में जुट गई और कुछ ही घंटों में दोनों युवकों को पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। फिलहाल ये दोनों युवक अब सलाखों के पीछे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हमलावर दो युवकों को उनके द्वारा पकड़ा गया है। ये दोनों अक्षत और प्रतीक, जिनकी उम्र 22 वर्ष है और सोलन में चंबा गार्ड में रहने वाले थे। अक्षत पहले सेंटा रोजा होटल में काम करता था और कुछ दिन पहले मैनेजर ने उसे नौकरी से निकाला था, जिसके चलते रंजिश में आकर अक्षत ने अपने साथी के साथ मैनेजर पर हमला कर दिया। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है।